हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, चिकन सैंडविच बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चिकन ले ली हूँ मैं। चिकन को अच्छे से धो ली हूँ और उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और छोटा टुकड़ा कट करने के बाद एकदम पतला स्लाइस कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा नींबू इस तरह से लेंगे और उसका रस इस तरह से निचोड़ लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, नींबू का रस डाल देने से बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाता है। और 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ और तेल गर्म हो गया है। अब एकदम गैस का फ्लेम लो करके मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से फैला लेंगे और ढक्कन लगा कर लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एक तरफ से फ्राई भी हो गए हैं चिकन और पक भी गए हैं अच्छे से। तो 2 मिनट तक और हम लोग खुला ऐसे ही लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चिकन फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे चिकन को हम निकाल लिए हैं और ब्रेड लेंगे। फ्रेंड्स, मैं बड़ा साइज का ब्रेड ली हूँ, आप चाहें तो छोटा बड़ा या मीडियम कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड का एक स्लाइस रखेंगे और 2 चम्मच टोमेटो सॉस इस तरह से लगा देंगे। अब इस पे एक लेयर बिछाएंगे प्याज का। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को इस तरह से राउंड शेप में पतला पतला कट कर लेंगे और एक लेयर इस तरह से बिछा देंगे। अब इस पे हम लोग चिकन का लेयर बिछाएंगे। तो देखिए सारे चिकन को हम जितना एडजस्ट हुआ है ब्रेड पे बिछा दिए हैं। अब इस पे एक और ब्रेड का स्लाइस इस तरह से ऊपर से रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गैस ऑन कर दी हूँ और एकदम लो कर दी हूँ फ्लेम। और हम सैंडविच मेकर लेंगे और हम चिकन सैंडविच को सैंडविच मेकर में बनाएंगे। आप चाहें तो तवे पर बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग स्टफ किया हुआ ब्रेड रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, सैंडविच मेकर में बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। सैंडविच मेकर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो 1 मिनट तक देखिए फ्रेंड्स, मैं लो फ्लेम पर रखी थी तो सैंडविच रोस्ट हो गया है एक तरफ से। अब दूसरे तरफ से भी 1 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गए हैं, अब खोलेंगे तो दोनों तरफ से ब्रेड रोस्ट हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम लोग नाइफ की हेल्प से इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा चिकन सैंडविच रेडी है। तो इसी तरह से सारे हम बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाए खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चिकन सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।